आज आप सभी के सामने है क्लास 10th चैप्टर द एलिवेटर की वर्कबुक आंसर्स। इस वर्कबुक आंसर में आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स जो आपके सामने हैं, और इनके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। पैसेज वन, पैराग्राफ वन, क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डज मार्टिन फील नर्वस एंड वाई। कि मार्टिन नर्वस फील क्यों करता है और क्यों, नर्वस कहाँ फील करता है और क्यों। मार्टिन फील नर्वस इन द एलिवेटर इन हिज बिल्डिंग बिकॉज ही ऑलवेज अनकंफर्टेबल इन द एलिवेटर्स, अफ्रेड दे माइट फॉल। मार्टिन हमेशा एलिवेटर की में रहते हुए नर्वस फील करता है, अपने जो बिल्डिंग थी अपार्टमेंट बिल्डिंग उसमें नर्वस फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि जो एलिवेटर है वो कभी भी गिर सकता है। वाइट वॉज द एलिवेटर इन हिस बिल्डिंग अनप्लीजेंट टू यूज़। आंसर, द एलिवेटर इन हिस बिल्डिंग वॉज अनप्लीजेंट ड्यू टू पुअर लाइटनिंग, डर्टी वॉल एंड अ डोर दैट नेवर स्टेड ओपन लॉन्ग इनफ, स्लैम्ड शट विथ अ लाउड नॉइस। इनकी बिल्डिंग की जो एलिवेटर थी वो यूज़ करने लायक इसलिए नहीं थी क्योंकि उसमें लाइटनिंग अच्छी नहीं थी, गंदी दीवारें थी, यहाँ तक कि जो डोर था वो ज़्यादा समय के लिए खुला भी नहीं रहता, एक अचानक से बंद हो जाता है एक आवाज़ के साथ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वॉज द अनदर ऑप्शन बिसाइड द एलिवेटर। एलिवेटर के अलावा अब वहाँ पर दूसरा क्या ऑप्शन था अपने उस तक अपार्टमेंट तक पहुँचने का। द अदर ऑप्शन बिसाइड द एलिवेटर वॉज द स्टेयर्स विच वर डार्क एंड अनकम्फर्टेबल टू यूज़ एस मार्टिन फेल वाइल यूजिंग देम। हाउ डिड द साइज ऑफ द एलिवेटर अफेक्ट द नरेटर लेटर इन द स्टोरी। इस कहानी में एलिवेटर किस तरीके से नरेटर को एलिवेटर का साइज नरेटर के लिए परेशानी वाला कारण बनता है। द साइज ऑफ द एलिवेटर मेड मार्टिन फील क्राउडेड एंड अनकंफर्टेबल स्पेशली व्हेन द अदर पैसेंजर वेयर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सप्लेन हाउ डज दिस एक्सट्रैक्ट एक्ट एज फोर शेडो इन दिस स्टोरी। आंसर, दिस एक्सट्रैक्ट फोर शैडो मार्टिन्स इंक्रीजिंग फियर एंड डिसकम्फर्ट रिगार्डिंग द एलिवेटर। फर्दर मोर हिज फादर यूज टू स्कोल्ड हिम फॉर नॉट यूजिंग द एलिवेटर। पैसेज सेकेंड, क्वेश्चन नंबर वन, हु इज ही रेफर्स टू दिस एक्सट्रैक्ट, वॉट डिड ही आस्क मार्टिन एंड वाई। आंसर, ही रिफर्स टू द मार्टिन्स फादर हु आस्क मार्टिन वाई ही डिड नॉट टेक द एलिवेटर, एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट एंड इम्पेशेंस। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट थ्री एडजेक्टिव विच ही अपेरेंटली यूज फॉर मार्टिन एंड वाई। द थ्री एडजेक्टिव यूज फॉर मार्टिन आर स्किनी, वीक एंड बैड एट स्पोर्ट्स। हाईलाइटिंग हिज परसीविंग शॉर्ट कमिंग इन हिज फादर्स आई। थर्ड क्वेश्चन, वॉट डज मार्टिन प्रोमिस हिमसेल्फ, डज ही सक्सीड, नेम द अदर थिंग विच ही गोट यूज टू। आंसर, मार्टिन प्रोमिस हिमसेल्फ दैट ही विल गेट यूज टू यूजिंग द एलिवेटर जस्ट लाइक ही गोट यूज टू बींग बुलीड एट स्कूल। हाउ एवर ही डिड नॉट सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर फॉर द एलिवेटर। क्वेश्चन फोर, वॉट वॉज हिज फियर अबाउट द एलिवेटर, डिड दैट हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर इज, मार्टिन्स फियर अबाउट द एलिवेटर इज दैट इट माइट स्टॉप सडनली ट्रैपिंग हिज इनसाइड फॉर आवर्स। दिस फियर इज रियलाइज्ड व्हेन ही ब्रेक हिज लेग एंड इज अनेबल टू यूज द स्टेयर। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सप्लेन ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट ऑफ मार्टिन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, मार्टिन इज पोर्ट्रेड एज अ बॉय हु इज कॉन्स्टेंटली यूज प्रेशर टू मीट हिज फादर्स एक्सपेक्टेशंस एंड फील इन एडुकेट ड्यू टू फादर्स डिसअप्रूवल। नेक्स्ट, वाट डिड मार्टिन थिंक अबाउट हर ओल्ड डे एंड वाई। मार्टिन थिंक दैट द ओल्ड लेडी ओल्ड डे बिकॉज ही नर्वस एंड क्यूरियस अबाउट हर स्ट्रेंज बिहेवियर इन द एलिवेटर। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज मार्टिन नर्वस वेन ही गोट बैक टू हिस बिल्डिंग आफ्टर स्कूल। आंसर इज, मार्टिन इज नर्वस वेन ही रिटर्न टू हिस बिल्डिंग आफ्टर स्कूल बिकॉज ही इज अनश्योर इफ ही विल इनकाउंटर द ओल्ड लेडी अगेन। क्वेश्चन थ्री, वाई डिड मार्टिन फील अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, वाट डज इट रिवील अबाउट हिम। आंसर इज, मार्टिन फील अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर बींग अफ्रेड ऑफ एन ओल्ड लेडी विच रिवील दैट मार्टिन
सॉरी मार्टिन हैज नो करेज टू फेस डेंजर एंड ओवरकम हिज फियर. क्वेश्चन फोर, व्हाट व्हाई डिड मार्टिन होप दैट द एलिवेटर वुड नॉट स्टॉप. व्हाट हैपन व्हेन इट डिड नॉट स्टॉप ऑन द थर्ड फ्लोर. आंसर इज मार्टिन होप दैट द एलिवेटर वुड नॉट स्टॉप बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ बींग ट्रैप्ड इनसाइड इट. व्हाट व्हेन व्हेन इट डज स्टॉप ऑन द थर्ड फ्लोर ही फियर इज हाइटेड. क्वेश्चन फाइव, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मार्टिन फाउंड स्केरियर द एलिवेटर और द ओल्ड लेडी. गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. मार्टिन फाउंड द ओल्ड लेडी स्केरियर देन द एलिवेटर बिकॉज ही सिंबलाइज द अननोन अनप्रेडिक्टेबल विच एड टू हिज एनाइक्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट वॉज द मिस्टेक मार्टिन थिंक ही वॉज प्रोबेबली मेकिंग. व्हाई डिड ही थिंक सो. आंसर इज मार्टिन थिंक ही इज मेकिंग अ मिस्टेक बाई टेलिंग समवन अबाउट द ओल्ड लेडी बिकॉज ही फियर दैट ही दे वुल नॉट बिलीव हिम. ही डिसाइड टू टेल हिज फादर अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर. व्हाई डिड मार्टिन फील दैट ही हैड टू टेल समवन अबाउट द वुमेन. होम डिड ही डिसाइड टू टेल. मार्टिन फील्स द नीड टू टेल समवन अबाउट द ओल्ड लेडी बिकॉज हर बिहेवियर अनसेटल्स हिम. He decided to tell his fathers, hoping for understanding and support. What was the one thing that Martin found strange about the lady? Why? Answer is, the one thing Martin found strange about the lady was her persistent staring. The behavior unsettled him and made him feel vulnerable. Question 4. Martin's father asked him, what was he worried about now? What was he afraid about earlier? What did his father say about him then? Answer is Martin was afraid of the lady's strange behavior and wanted to confide to in his father's about it. His father dismissed his concern and expressed frustration with him. Give a character sketch of Martin's father based on the extract. Answer is Martin's father appeared impatient, dismissive, and unsympathetic towards Martin's fears. Question number one, why did Martin start running down the stairs? How did he fall? Answer, Martin start running down the stairs because he is afraid of encountering the old lady in the elevator. He fall while running due to the darkness of the stair. Second question, what were Martin's father's feeling on the way to hospital? How did he reacted earlier when Martin took the stair to reach the house on the 17th floor. Martin's father is silent on the way to the hospital, disappointed and angry with him for being a coward and a fool. Earlier, when Martin took the stair to reach his house, his father frowned upon him. Question 3. Why would Martin not be able to use the stairs? How do you think Martin would have been affected by this condition? Answer is Martin would not be able to use the stair because he broke his leg and needed to walk on crutches. The condition would limited his mobility and independence. Question number 4. Why did Martin think that the fat lady had a smile and knew what was going to happen to him? Answer is Martin think the old lady smiled because she knew what would happen to him, implying that she had sinister intentions or knowledge. Fifth question, explain briefly what could have given rise to Martin's thought about the fat lady. Martin's thoughts that about the old lady are fueled by his fear and paranoia, as her mysterious behavior, persistent staring unsettled him. Next question, how did Martin remain alone in the elevator? What did his father tell him? Martin remained alone in the elevator because his father leave him behind, teasing him about being afraid to ride alone. Question 2. Why did Martin want to press the button 9 on the elevator? What had happened instead? Answer is Martin wants to press the button for the 9th floor, but the elevator stopped at the 10th floor where the old lady is waiting for him. Question 3. Why could Martin not move out of the elevator? What happened after? Martin cannot move out of the elevator because the old lady moves in quickly blocking the exit. The elevator began to move, trapping him inside with her. Question 4. Why do you think the lady laughs and then pushes the stop button? The old lady laughs and pushes
द स्टॉप बटन सजेस्टिंग सी हैज मोली मेलवोलेंट इंटेंशन और नॉलेज अबाउट मार्टिन्स फेट. द स्टोरी एंड इन क्लिफ हैंगर. वाट इज क्लिफ हैंगर. द स्टोरी एंड इन अ क्लिफ हैंगर लिविंग द रीडर अनसर्टेन अबाउट मार्टिन्स फेट एंड द ओल्ड लेडीज इंटेंशन. इट क्रिएट्स सस्पेंस एंड लिव्स रूम फॉर इंटरप्रिटेशन अबाउट वाट माइट हैपन नेक्स्ट.